मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रांची में रोड शो को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर को ही रात्रि में पहुंचेंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित खूंटी में कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को रांची पहुंचने वाले थे, लेकिन दौरे में बदलाव किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर की शाम को ही रांची पहुंचेंगे। इसके बाद वे एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो में भाग लेंगे। इधर राज्य सरकार की ओर से रांची पहुंचने पर प्रधानमंत्री के पुलिस मुख्यालय और झारखंड मंत्रालय दोनों पीएम की सुरक्षा और उनके रोड शो को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर की जगह अब 14 नवंबर की शाम को ही रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए राजभवन जाएंगे। वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर की सुबह बिरसा मुंडा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहां के बाद वो बिरसा मुंडा जैव उद्यान भी जाएंगे। वो बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद से वो खूंटी के लिए रवाना होंगे। वहाँ पे उलिहातू में कार्यक्रम है। उलिहाती में बिरसा मुंडा के गांव वो जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद खूंटी में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार जिस तरह की बातें हो रही हैं और उनके दौरे को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वो निश्चित रूप से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर काफ़ी सुखद संयोग कहा जा सकता है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।